फ्रेंड्स, माय नेम इज़ इब्राहिम, आई होप यू आर फाइन। सो फ्रेंड्स, आज जुमेरात है तो आज मैं देग पकाने लगा हूँ, देग पकवाने लगा हूँ। बंदा आएगा एक बाइट से, वो देग पकाएंगे और देखेंगे आज कैसे देग बनाते हैं और कौन सी रेसिपी इसके अंदर डलती है, कैसी होती है देग, कैसे पकती है। मुझे ज़्यादा इसका गैस नहीं है कैसे पकती है, वो खुद ही पकाएंगे आके। और आज मैं रोज़ा खुलवाऊँगा, यानी कि चावलों की देग बनाने लगा हूँ, चनों वाले चावलों की। और पास जो मस्जिद हैं, यानी कि दो मस्जिद में जाके चावल देख के आऊँगा। एक इधर मस्जिद है जहाँ जुमा पढ़ने जाता हूँ, एक ही साइड पे बस्ती है वहाँ पे मस्जिद है, और यहाँ पे फार्म हाउस पे जितने लोग हैं सबको मैं रोज़ा खुलवाऊँगा। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि देग कैसे बनती है। और आपको दिखाऊँगा कि आज अफ्तारी में रोज़े के लिए मैं चावल डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, वो भी आज आपको दिखाऊँगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। ये तैयारी हो रही है, ये काफी हो गए तैयार भाई इंटे? नहीं नहीं, अभी और लग गया ना, इतनी हो गया, ये थोड़ी है अभी। हां अभी थोड़ी है ना, पेजी दिन दिखाओ ना इसको। ओके, ये पड़ी हुई है, ये दिखाओ इसको ना। ये फ्रेंड्स ऐसे करके हमें ढूंढनी पड़ेंगे इंटे, जैसे ये इसी तरह रख देते पास ही है, फिर ढूंढते हैं। ये 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 माशाल्लाह काफी पड़ी है, दिखा दो। तो हम लोग देग पका रहे हैं, हमारे पास चट भी नहीं है और यूं फेंक रहे हैं। और चाहिए भाई और तो नहीं चाहिए अभी, और देख सकते हैं अभी ये पूरी हो जाएंगी। ये चूल्हा बनाते हैं, कितना लगेगा कितने चले इसका चूल्हा बनाना है, ये भी पकड़ लेना है, ये भी इतना ये भी खा लो, हाँ ये खा लो। बिस्मिल्लाह, ये है तैयब भाई। ये ऐसे आग चलाते हैं इसमें, और ये इसके अंदर अब चलें डालेंगे बिस्मिल्लाह। अब जो उबाइल होंगे तकरीबन 15-20 मिनट लेंगे, ये उबाइल हो जाएंगे, उसके बाद इसे उतार लेंगे। उतारने के बाद फिर ये चने जो हैं साइड पे पड़े रहेंगे, उसके बाद फिर यहाँ इसके अंदर मसाला वगैरह सब कुछ करेंगे, फिर देग बनना शुरू हो जाएगी। अभी इसको बॉयल होने के लिए छोड़ेंगे थोड़ी देर। ये भाई कितनी देर लग जाएगी ये चनों में? नहीं सही बताओ, झूठ नहीं बोलते यार। आधा घंटा? चलें अल्लाह करम करेगा, जब जल्दी हो जाए बस, टाइम भी कम ही रहेगा। चावल एक टब के अंदर डाल लिए और इन्हें भिगोएंगे। कौन से चावल हैं तैयब भाई? सुपर प्योर 300 रुपए किलो चावल है। सुपर वाले हैं ये? हाँ ये 300। नहीं मैं रेट नहीं पूछा यार, आप इनकी पब्लिसिटी करनी शुरू हो गए हो, बस ऐसे ही बता दो सुपर के ठीक है। तो अभी इन्हें गीला कब करना है? देग बनने से 5 मिनट पहले? 10 मिनट बाद करेंगे, आपको बताऊंगा। ठीक है, और आप खाएंगे, आप याद करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। और इब्राहिम भाई जी, आप ऐसे करें। हाँ जी, आपको चावल एक बार पका के दे दूंगा। ठीक है, ऐसे करें, वालों को दिखाएं और मजा आएगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह खैर करे। यानी कि याद रखेंगे आप? हाँ, दुनिया इंशाल्लाह याद करेगी। चलें अल्लाह खैर। अभी देख चनों को कितना टाइम लगेगा? और अभी चनों का टाइम है तकरीबन 15-20 मिनट है अभी। हाँ, आप 5-10 मिनट कह रहे थे। अभी मैंने देखा तो अभी कोई गल नहीं बनी। हाँ, तो फिर मैं आपको कुछ पहले बताऊंगा। ठीक है, 5-10 मिनट पहले? जी जी बता देंगे कि अभी 5-10 मिनट रह गए। अभी ये किस किस चीज़ का पेस्ट है? ये अदरक है और थूम है और हरी मिर्च है और टमाटर है। ठीक है, तो वो पुदीना है। अदरक लहसुन थूम तो लहसुन एक ही होता है ना। हाँ। अदरक लहसुन टमाटर हरी मिर्चें और पतीना है। फ्रेंड्स टाइम कम है और मैं अभी एक पतीले की ज़रूरत थी बड़े वाले की, वो मैं अभी लेके जा रहा हूँ। अल्लाह के जल्दी अफ्तारी से पहले पहले काम हो जाए। फ्रेंड्स ये तैयब भाई के काम देखें, चलो जी। तो
कटिंग नहीं करते ऐसे ही मार के ना। ये जी माशाल्लाह देग अब मसाला तैयार हो रहा है। तो ये भाई मसाला आपने आधा बाहर गिरा दिया, ये देखो ये तो बाहर आना ही आना था। रेड चिली कम ही डालना। ये तो जी माशाल्लाह तैयार हो गया। तो ये भाई हिलाई जाना है ऐसे। हाँ मसाला डालो, मैं हिलाता हूँ। ये क्या है? दादर मिर्च, दादर मिर्चें, दही कब डालना? दही तो ये भाई मिर्चें इस दफा कम डालना। हाँ जी दही लेकर आओ। ये दही भी डाल दी है। इब्राहिम ऑफिशियल देख वाला। ये भाई अब ये नहीं कहना कि आ काम है, ठीक है ना? ये देखो जाया नहीं हो रही, अच्छी हो रही। और ये क्या कुछ है उन्होंने? और तो ये भाई पानी। ये फ्रेंड्स अब चावल जो है ये धुल जाएंगे, इससे ये हो गए कोई भी छोटा मोटा कचरा वो साइड पे हो जाता है। ये देखिए बिल्कुल नीट हो गए, साफ सुथरे हो गए। देख ऑलमोस्ट रेडी, उसके अंदर देख के अंदर आप ये चावल डालेंगे। ये फ्रेंड्स ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, तकरीबन कोई 15-20 मिनट के अंदर अंदर ये तैयार हो जाएगी। 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे ना जवेद? जवेद भाई आप बताएं, 5-10 मिनट। ओके आप थोड़ा दूर हो जाए क्योंकि आपका रोज़ा है। ये देखिए माशाल्लाह तैयार होगी देख। क्या अभी टाइम है? अभी थोड़ा सा टाइम है। अपने उस्ताद हो गए चलो जी फ्रेंड्स अभी ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब ये वाले जो हैं चावल जो बच गए हैं ये दिखाएं जरा। माशाल्लाह काफ़ी बच गए हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बरकत डाली है, ये देखिए काफ़ी बच्चे हुए हैं। तो ये वाले जो हैं
ये वाले चावल जाएंगे मस्जिद में, दो मस्जिद इधर हैं जहाँ पे मैं जुमा पढ़ने जाता था, और दो मस्जिद इधर हैं वहाँ पे छोटी सी बस्ती बनी हुई है, इस साइड पे उस साइड पे भी गाँव है, वहाँ पे जाके ये एक ट्रे बड़ी सी परात में, परात कहते हैं उसके अंदर डाल के फिर इसे वहाँ पे जाके डिस्ट्रीब्यूट कराऊँगा। टाइम कम है, अभी उनके लिए पैकिंग करनी शुरू करते हैं। अभी मस्जिद के लिए डालने लगे हैं परात में, कटिया नहीं थोड़ी बहुत। ये कहाँ ना भाई, खेल रही है ये भाई जान, भाई जब लेके जाएंगे ना जी, उसके ऊपर डस्ट वगैरह ना पड़े इसके। दिखाओ भाई को कैसे है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दोस्ती भी ऐसे कर लिए, सर्फिंग कर लिए इनको, अब ये लेके चलेंगे मस्जिद में, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चलेंगे फ्रेंड्स, ये अभी मस्जिद में जाके देंगे, ये प्रातः हैं तो मस्जिद के लिए रवाना हुए हैं, तो इसके अंदर पैक किए हैं, सर्फिंग की है, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए पीछे रास्ता है, राहगीर जो होते हैं उनका रोज़ा यहाँ पे खुलवाते हैं, तो उनके लिए मैं लेके आऊँ, जो भी आएगा उनका रोज़ा यहाँ पे। ये मस्जिद है फ्रेंड्स, एक इधर देनी है, ये सामने मदरसा है, बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, एक देंगे। अस्सलाम वालेकुम, ये नीचे इसके प्रात है, नीचे वाले को पकड़ो, नीचे वाले पकड़ो ध्यान से, तो फ्रेंड्स अभी दूसरे वाले जो हैं चावल वो अभी लेके जा रहे हैं, दूसरी मस्जिद है उधर, तो अभी वहाँ पे जाके आपको वो भी दिखा। रोड आपने बनवाई है यार, आप इंसान का लहाजा मेहरबानी, रोड बनाए, रोड बनाए इधर इधर नीचे। हाँ ये फ्रेंड्स, ये बस्ती है, इधर लोग रहते हैं, इधर भी जाके मस्जिद जो आती है उधर अभी जाके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ से लेफ्ट हो जाए, ओ सॉरी राइट राइट राइट, इधर इधर राइट 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 राइट, नहीं एक तो इधर है ना, पहले इधर देते हैं भावे दूसरी वाली। फ्रेंड्स अब इधर ये मस्जिद में दे दी है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अब दूसरी मस्जिद में जा रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा, और मेरे हालत देख ले अब क्या हो गया है, तो खुशी बहुत हो रही है। ये है जी दूसरी मस्जिद, इधर इमाम साहब हैं, ये मस्जिद इमाम साहब। मस्जिद में अभी कोई भी नहीं था, ये वाली मस्जिद में, तो इधर बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करने लगा, बच्चों को प्लेटें लेकर आएंगे, शॉप पर भी ले आएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सनसेट हो रहा है माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए चावल वगैरह, मेरा हाल देखिए क्या बन गया, तो ये भाई भी मेरे साथ, ये भाई बहुत शुक्रिया। अभी हम भी चलते हैं अफ्तारी करते हैं, लेट हो रहे हैं, तो चलें अभी अफ्तारी पे चलते हैं। हमारी आज की वीडियो, होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, छोटी सी एक खैरात की थी, तो अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूलो मंजूर फरमाए। तो इतनी यानी कि मैं नहीं हूँ, अगर मैं कहूँ कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, नहीं, ये छोटा सा काम था मेरे लिए, बस यही थी छोटी सी वीडियो। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।